जैन प्यारे बच्चों, आज है 24 अप्रैल और पहले शिफ्ट का एनालिसिस हम लेके आ चुके हैं। इससे पहले हम 22 अप्रैल और 23 अप्रैल की जो है शिफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 शिफ्ट हो चुकी है और ये 7वीं शिफ्ट जो है लेकर आ चुके हैं। तो 24 अप्रैल और दिन है जो है यहाँ, मतलब शिफ्ट है जो है वो पहली है। चलिए हम यहाँ प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कौन कौन से प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में आए, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन पहले कौन से आए हैं उन्हें हम चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो पहला प्रश्न था आपके सामने यहाँ पर एग्जामिनेशन में, निम्नलिखित में से कौन जो दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। तो प्यारे बच्चों, जो मुख्यमंत्री जो है पांच चेंज हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि पांच राज्यों में वहां पर विधानसभा चुनाव थे। और फिर एक और कौन चेंज हुए हैं, एक चंपई सोरेन जो चेंज हुए, कहाँ के, झारखंड के हुए। तो उन्हें आपको छह मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है। विष्णुदेव सहाय जिन बच्चों ने लगाया है उन्हें 2 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट मिल चुके हैं। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न था, दिग्वोई रिफाइनरी कहाँ पर है। ये क्वेश्चन जो है कल से एक रिपीट हुआ है, जिसे आपको जानना था कि कल भी इसी प्रकार से रिफाइनरी का क्वेश्चन था। आसाम जिन बच्चों ने लगाया है 4 मार्क्स उन्हें मिल चुके हैं। बढ़ते हम यहाँ पर 3रे नंबर के प्रश्न की ओर। वायुसेना अध्यक्ष जो कल भी आए थे आज भी आए हैं, तो वायु विवेक राम चौधरी बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हम यहाँ पर 4थे प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार कम जनसंख्या वाला राज्य, अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी हो गया कम जनसंख्या वाला, सिक्किम। बिल्कुल, जिन बच्चों ने जनगणना 2011 को बहुत अच्छे से पढ़ा है उन लोगों ने डेफिनेटली इसे जवाब दे दिया है और यहाँ पर 8 मार्क्स यहाँ पर गेन कर लिए हैं। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोह इस्पात का कारखाना किस राज्य में है। तो जिन बच्चों ने लोहे के लिए यहाँ पर झारखंड को टिक किया है डेफिनेटली उन्हें 2 मार्क्स मिल चुके हैं। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 6 नंबर का प्रश्न है, करवा चौथ त्यौहार में किस अवतार की पूजा की जाती है। तो माँ पार्वती की पूजा की जाती है। जिन बच्चों ने माँ पार्वती को लगाया है डेफिनेटली इनका आशीर्वाद उन बच्चों के ऊपर भी गिर चुका है। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर 7वें नंबर पर, ICC वर्ल्ड कप 2023 किस देश में हुआ था। तो भारत के अंदर जो ये हुआ था कल जो है अहमदाबाद, यहाँ पर किस जगह पर हुआ था और आज यहाँ पर देश के बारे में पूछ लिया गया। जिन बच्चों ने लगाया है 14 मार्क्स उन्हें यहाँ पर कंप्लीट मिल चुके हैं, यानी कि 2 मार्क्स यहाँ पर गेन हुए हैं। बढ़ते हम यहाँ पर 8वें प्रश्न की तरफ। फरवरी 2024 में ग्रेमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ग्रेमी पुरस्कार जाकिर हुसैन कल जो आया था वह शंकर महादेवन का नाम आया था और आज जैसे देखिए ग्रेमी पुरस्कार सेम आ गया है। यानी कि आपको रिव्यू देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न, एक बच्चे जो हमारे यहाँ पर अभी जस्ट जो पेपर यही पेपर देकर आया है उसी बच्चे ने जो है यहाँ पर इसमें करीबन 6 क्वेश्चंस का साइंस और जीके मिलाकर दोनों 6 क्वेश्चन उसने यहाँ पर गेन किए हैं। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 9 नंबर का, सन 1897 में वहाँ पर जो है 57 था एग्जामिनेशन में 57 था, बट वो मिसप्रिंट गलती से प्रिंट हुआ था। यहाँ पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो वह स्वामी विवेकानंद ने की थी। बिल्कुल ही सही जवाब है, जिन बच्चों ने किया है 2 मार्क्स उन्हें गेन हो गए हैं। पढ़ते हम यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है, तो मौलिक कर्तव्य से है। जिन बच्चों ने मौलिक कर्तव्य लगा दिया है बिल्कुल ही उसका जवाब सही गया है। पढ़ते हम यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। बहादुर शाह जफर ने किस युद्ध में भाग लिया था, तो वह स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का। जिन बच्चों ने लगाया है 2 मार्क्स उसे मिल चुके हैं। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार 2023 को किस हिंदी उपन्यास के लिए मिला है, तो वह मिला है टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला है। किसके लिए प्यारे बच्चों, टॉम ऑफ सैंड। जिसने भी टॉम ऑफ सैंड को लगाया है अगेन 2 मार्क्स उसे यहाँ पर बोनस के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। बढ़ते हम यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन, 14 और 15 हमें ये क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुए। यदि आपको यदि ये प्रश्न आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, ताकि सभी बच्चे जो एनालिसिस के लिए आए हैं, जो अपना पेपर चेक करने के लिए आए हैं आंसर की, क्योंकि आर्मी अपना आंसर की जारी नहीं करता है तो पीडीए को ही जारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 13 नंबर 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन नहीं पता, यदि आप डाल देते हैं तो वह गूगल की मदद से उसका आंसर निकाल लेंगे या फिर हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। बढ़ते हम यहाँ पर साइंस सेक्शन में। तो साइंस सेक्शन में बहुत कम क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं, पर फिर भी जितने प्राप्त हुए हैं देखिए, मुकुलन प्रजनन जो है पिछली शिफ्ट में भी आया था, इस वाले में भी आया है, और यहाँ पर जिन बच्चों ने शिफ्ट को देखा था उसने हाइड्रा बिल्कुल टिक किया है और 2 मार्क्स को गेन कर लिया है। पढ़ते हम यहाँ पर 17वें नंबर के ऊपर, मछली पानी में किसकी मदद से सांस लेती है, तो गलफड़े है। कई बच्चे बता रहे थे यहाँ पर कि गिल्स जो है, गिल्स ऑप्शन में नहीं था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गिल्स नहीं था तो फिर ऑप्शन में क्या था, आप यहाँ पर कमेंट। चलिए पढ़ते हम यहाँ पर 18वें प्रश्न की ओर। जड़त्व का जो नियम है निर्भर करता है, यहाँ पर निर्भर है यहाँ पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर किस पे करता है, विराम अवस्था पर करता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन
ऑप्शन के अनुसार जो है उसका ऑप्शन, इसका सही आंसर विराम अवस्था था। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विद्यार्थी बच्चों ने K2SO4 लगाया है। K2 यहाँ पर नीचे आएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा ऐसा हो गया है हमें। K2SO4 बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है यहाँ पर, साबुन का सूत्र क्या है? साबुन का सूत्र C17H35COONA। बिल्कुल, जिन बच्चों ने रासायनिक सूत्र को इसको टिक किया है, डेफिनेटली उसे 2 मार्क्स का गेन हुआ है। और बढ़ते हम आगे आगे प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, V=U+AT किसका सूत्र है? तो आपने बताया कि किसका सूत्र है, आपने क्लासरूम में भी पढ़ा है, गति का सूत्र है। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने लगाया है 2 मार्क्स उसे गेन हो चुके हैं। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा ऊतक से संबंधित है? ऊतक से कौन संबंधित है? तो ऊतक से यहां पर ऑप्शन में था रक्त। बिल्कुल ही सही जवाब है। जिन बच्चों ने रक्त लगाया है दोनों 2 मार्क्स मिल चुके हैं। बढ़ते हम यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर करता है? तो उनके द्रव्यमान के ऊपर करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनके द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। बढ़ते हम यहां पर 24 से लेकर यहां पर 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन तक, यहाँ 7 क्वेश्चन हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन बच्चों को यदि साइंस के और ज़्यादा क्वेश्चन याद हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि सारे बच्चे जो एनालिसिस देखने के लिए आए हैं उन सभी को इसका फायदा हो जाए, उनको बेनिफिट मिल जाए। पढ़ते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन मैथ्स में आया था, 2 और 4 का LCM। देखिए क्या बात है, मैथ्स में लेवल जो है काफ़ी ही डाउन कर दिया है। 5वीं क्लास का मैथ्स यहाँ पर कर दिया है। 4 बिल्कुल, जिन बच्चों ने 4 लगाया है बिल्कुल ही सही गया है। देखिए 1/10 को दशमलव में बदलें तो यहाँ पर जिन बच्चों ने यहाँ पर 0.1 किया है बिल्कुल ही उसका आंसर सही गया है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि लेवल बड़ा डाउन है, 5वीं का लेवल जो है आ चुका है मैथ्स के अंदर। बाकी जीके और जीएस बिल्कुल ही लेवल का दे रहे हैं, मॉडरेट लेवल है। बट जो मैथ्स है वो मैथ्स का देखिए, अब नौ का वर्ग, अभी नौ का वर्ग जो है 81 यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। जिन बच्चों ने 81 किया होगा 100% सभी ने किया होगा। पढ़ते हैं यहाँ पर 1422 किस संख्या से विभाज्य होगा? तो वहाँ पर ऑप्शन थे वहाँ पर 9, 5, 2। जिन बच्चों ने यहाँ पर 2 तो नहीं था, जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से थे, तो वहाँ पर 9 से जो है जिन बच्चों ने 9 को टिक किया होगा डेफिनेटली उसका वहाँ पर चले गया होगा। वहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे कि हाँ किस से जाएगा, तो यहाँ पर टोटल 9 आ गया, हाँ 9 से भाग जा सकता है। चलिए ये ऐसे टेक्निक से वहाँ पर ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ आपको मैं। 15 और 25 का औसत क्या है? 15 और 25 40 हो गया, 40 में 2 का भाग लगा दिया 20 प्राप्त हो गया। चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समकोण त्रिभुज का मान कितना होता है? देखिए न्यून कोण का कितना होता है 90 से नीचे, समकोण का कितना होता है 90, और अधिक कोण का कितना होता है 90 से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है 90 बिल्कुल ही सही जवाब है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर 37वें क्वेश्चन की ओर। 48:48 के अनुपात में जो है 54 हुआ, तो काट दीजिए साहब, यहाँ पर काटने से आपको प्राप्त हुआ जो है 8/9 जो है यहाँ पर। तो इसका कट ही करना था आपको, यहाँ पे लिखना था। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, पेन भी नहीं उठाना पड़ा हमें। यहाँ पर 150 को दशमलव में भिन्न कीजिए, तो 150 में क्या 100 का आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से वहाँ पर, तो आपको पता लग गया कि जो दशमलव में भिन्न हो गया है। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से आए थे, यहाँ पर मैथ्स के वर्गमूल और घनमूल से 1 प्रश्न आया था, औसत से 4 प्रश्न थे, बड़े सिंपल प्रश्न थे। अनुपात समानुपात से 1 प्रश्न था, साधारण ब्याज से 1 प्रश्न था, कार्यम समय से 1 प्रश्न था, क्षेत्रमिति से 1 प्रश्न था, और प्रतिशत से 1 प्रश्न था। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर रीजनिंग की ओर, कि रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन आए थे? यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग से यहाँ पर 1 क्वेश्चन जो सेम यहाँ पर है, अल्फाबेट से यहाँ पर 1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 1 प्रश्न है, और डायरेक्शन से यहाँ पर 1 प्रश्न है। आपको यहाँ पर जो है डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन, अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना है, 5 बोनस मिल रहे हैं वहाँ पर। अभी सभी प्यारे बच्चे जिन बच्चों ने मुझे ये इस पूरे रिव्यू कराने में हेल्प की है उन सभी को धन्यवाद, आप सभी को बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।